हाँ, तो ये सर की नॉलेज के लिए मैं बता दूं, हमारे आज के जो स्पीकर हैं आदरणीय श्री डॉक्टर अच्युतानंद शुक्ला जी, जैसा उनका नाम है वैसे उनका काम है। और मैं आपको बताऊंगी, सर शुक्ला सर की इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि सर हम लोग 5 तारीख से ये एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन का कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। और इसमें जी हम मैम, तो, जैसा कि आपको मैंने ब्रोशर के पेज नंबर 2 में पूरा शेड्यूल डाला हुआ है, तो पहले दिन हमने रविशंकर जी, आप जानते होंगे उनको, हम लोग IIT में मिले भी हैं कई बार, उनका लेक्चर था जो एथनोबॉटनी के प्रॉस्पेक्ट्स पे उन्होंने दिया था, वाटर डी प्रॉस्पेक्ट एंड हाउ वी कैन लिंक दी जेंडर विथ इट। और बहुत सारे उनने उसमें SDGs को भी जोड़ा था, कम से कम पावर्टी एलिविएशन वाला, जीरो हंगर वाला, ये सब जोड़ के। तो इट वॉज ए वेरी वैल्यूबल लेक्चर। उसमें पांडुरंगन साहब भी उस दिन जुड़े थे, हमारे AG पांडुरंगन, जो IIT के सेक्रेटरी भी हैं, और उसके बाद, और अभी सिरसा के वो डायरेक्टर हैं बायोडाइवर्सिटी डिवीजन के। इसके बाद नेक्स्ट डे सिकरवार सर, जो राम लखन सिंह सिकरवार सर हैं, AKS यूनिवर्सिटी सतना में एनवायरनमेंट साइंस के प्रोफेसर हैं, उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों में एनवायरनमेंट को किस प्रकार से तवज्जो दी गई है, किस प्रकार से एनवायरनमेंट हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेखित है, और किस प्रकार से वृक्षों का उल्लेख किया गया है, किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण की बात हुई है, इस पे उन्होंने बहुत सारे महाभारत के, रामायण के उदाहरण लेते हुए, और भी उन्होंने, बहुत लर्नेड आदमी है, व्यास पुराण के, पुराणों के एग्जाम्पल लेते हुए, संस्कृत के श्लोकों को उद्धृत करते हुए उन्होंने इस टॉपिक पे अपना व्याख्यान दिया। इसके बाद तीसरे दिन मैडम कनिष्ठा दुबे जुड़ी थी, जो IIT खड़गपुर में है, उन्होंने क्लाइमेट चेंज को, हमारा पॉल्यूशन कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि बेसिकली वो एरोसॉल मॉडलर हैं, तो उन्होंने उस पर अपना टॉक दी। इसके बाद जो चौथा दिन था, चौथे दिन हमारे यहाँ ये जो हमारे काबगते सर हैं, DK काबगते सर, मशहूर पैलियोबॉटनिस्ट हैं, रिनाउंड पैलियोबॉटनिस्ट इंडिया के, और उनका व्याख्यान हुआ। ही इज़ DSC फ्रॉम कैलिफोर्निया, और क्लीवलैंड में किस प्रकार से जो इंडियन गैलरी है जिसमें फॉसिल्स जो है वो डिस्प्ले में रखे हुए हैं, और उनमें आधे से ज़्यादा काबगते साहब के जो एक्सप्लोरेशंस हैं वो हैं, तो उसको भी हम लोगों ने सुना सर 8 तारीख को। और उसके बाद 9 तारीख को, जो कल का दिन था, डॉक्टर प्रोफेसर गरिमा तिवारी जी, जो कि यहीं पे, जो घासीदास विश्वविद्यालय है उसमें फॉरेस्ट्री एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ वाले डिपार्टमेंट में वो पढ़ा रही हैं, उनका व्याख्यान हुआ, जिसमें उन्होंने बहुत सारे इंटरेक्टिव वे में बहुत सारे ऐसे वेज बताए कि क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम कर सकते हैं, किस प्रकार से हम प्लास्टिक पॉल्यूशन को बीट कर सकते हैं, और क्या क्या हमारी सरकार की या हमारी इंडिविजुअल पहल हो रही हैं, इस पर उन्होंने अपडेट किया। दैट वाज आल्सो ए वेरी गुड लेक्चर। इसी में, उसी क्रम में आज जो है 6वां दिन आपका लेक्चर है, और आपको मैं अभी इंट्रोड्यूस कराऊंगी अपनी ऑडियंस से कि आप क्या हैं। और इसके साथ ही साथ आपकी जानकारी में बता दूं कि सिर्फ ये एक ऐसा प्रोग्राम ना हो जाए कि जिसमें हमने, जो अपन एकदम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई हमने भाषण सुन लिया और उसके बाद हम अपने अपने घर चले गए, तो ऐसी बात नहीं। इसमें जो एक फॉलो अप एक्शन उभर के आए और लोगों पर किसी को इंड्यूस कर दिया, तो ये हमारा बहुत योगदान रहेगा। और इसमें हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी भाग लें, उनकी भी सहभागिता रहे, इसलिए हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए पहले दिन क्विज करवाया एनवायरनमेंट का। उसके बाद हमने 7 तारीख को एक स्लोगन और पोस्टर की प्रतियोगिता रखी, सब ऑनलाइन वो लोग सबमिट करेंगे, क्योंकि परीक्षा के बाद या तो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट अभी अपने घर जा चुके हैं, मतलब छुट्टियों में, और सेकंड सेमेस्टर के 16 तारीख से, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के 16 तारीख से एग्जाम होने वाले हैं, तो इसलिए हमने उनको धूप में प्रिमाइसेस में नहीं बुला के, और हमने ऑनलाइन मोड में ये सब किया। उसके बाद आज जो कल लिंक दी गई थी और आज वो शाम तक की लागू होगी, उसके बाद वो लिंक जो है वो डिसेबल हो जाएगी, उसमें हमने नो योर एनवायरनमेंट विथ योर ओन आई, मतलब एक एक स्टूडेंट जो है, हम लोग जो जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट है, एक छोटा बच्चा है, एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, वो किस प्रकार से एनवायरनमेंट को परसीव करता है, किस प्रकार से कंसीव करता है, वो एनवायरनमेंट के किस पक्ष को पर्यावरण मानता है, किसको नहीं मानता, किसको वो बायोडाइवर्सिटी मानता है, क्या उसकी अपनी सोच है,
उस ही कंपोनेंट के साथ, उसी अवयव के साथ वो एक सेल्फी लेगी, सेल्फी लेगा, क्योंकि बच्चे आजकल सेल्फी लेने में बहुत उस्ताद हैं, बहुत माहिर हैं। तो सेल्फी लेंगे, उनको मजा भी आएगा और वो अपलोड करेंगे हमारे इसमें जो लिंक भी है उसमें, और उसके हिसाब से जो बेस्ट पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको हम पुरस्कृत करेंगे। तो ये हमारी पूरी योजना थी सर। आज इसका अंतिम दिन है, आज आपके लेक्चर के साथ हम लोग बहुत ही आनंदित हैं और बहुत हम लोग, मैं आपका बहुत आभार मानती हूँ कि आपका इतना बिजी शेड्यूल है लेकिन फिर भी आपने मेरे कहने पर समय निकाला और आपने बोला कि मैडम मेरा सैटरडे कर दीजिए, क्योंकि आपकी कुछ पर्सनल व्यस्तताएँ थी मिनिस्ट्री में। तो आज हम आपको सुनेंगे, ज़्यादा समय नहीं वो करते हुए, हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं और चेयरमैन साहब हैं वो एक नैक की एक मीटिंग चल रही है, वो इसमें बिजी हैं, तो जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे वो भी इसमें जुड़ जाएंगे। सर के पास, शुक्ला सर के पास समय कम है, उनको फिर कहीं कोई किसी मीटिंग में जाना है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि मैडम इसको शुरू करवा दें जल्दी। तो मैं इसीलिए प्रिंसिपल सर और हमारे आदरणीय चेयरमैन सर से परमिशन, उनकी परमिशन जो हमारे साथ हमेशा रहती है, वो हमारे प्रेरणा है, उस परमिशन से मैं इस कार्यक्रम को चलाते रहने की अनुमति लेते हुए डॉक्टर शुक्ला का ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि शुक्ला साहब हैं क्यों, ये हैं क्या, ये ज़रूरी इसलिए है कि हमारे जो यंग पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इन व्यक्तित्वों से प्रेरणा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति किस छोटे छोटे सोपानों से संघर्ष करते हुए और किस जो आज है उस स्थिति में कैसे पहुंचा है, ये एक प्रेरक प्रसंग की तरह हमारे बच्चों के सामने होना चाहिए और वो उनको मोटिवेट करता है कि वो भी कुछ भी कर सकते हैं, भले गांव में है तो क्या हुआ, भले छोटी जगह में है तो क्या हुआ, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए ये इंट्रोडक्शन देना मैं बहुत लाजमी समझती हूँ और मैं आदरणीय अच्युतानंद शुक्ला जी का परिचय देने में अपने आप को धन्य समझती हूँ। जो हमारे अच्युतानंद शुक्ला जी हैं ये आप रीवा डिस्ट्रिक्ट, रीवा जो मध्य प्रदेश में है उसके फ्लोरा पे आपने काम किया है, काम किया था बीएसआई इलाहाबाद से, और बीएसआई इलाहाबाद के स्वर्गीय आदरणीय परम श्रद्धेय श्री के खन्ना साहब को भी मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट हार्ट वाले और बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी थे, लेकिन पता नहीं क्यों कोरोना काल में भी हमारे बीच नहीं रहे। के खन्ना साहब के एबल गाइडेंस में शुक्ला साहब ने काम किया है और मैं आपको बता दूं कि खन्ना साहब ने फ्लोरिस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ उस पर भी एक फ्लोरा लिखा है और एक और लिखा है जिसका नाम मैं अभी भूल रही हूँ, जिसमें छत्तीसगढ़ के पौधों का उल्लेख है। मेरे ख्याल में जो मूर्ति और पाणिग्रही का एक फ्लोरा आया था जो कि एमपी के नाम से था, तब हमारा छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, उसके बाद अगर कोई फ्लोरा आया है वो खन्ना साहब का आया है जैसी मेरी जानकारी है, यदि कुछ और अपडेटिंग हुई होगी तो शुक्ला सर हमें बताएंगे। तो खन्ना सर को मैं इस अवसर में नमन करती हूँ। खन्ना सर एक वर्कोहलिक पर्सनालिटी थे, मैंने हर समय काम करते रहने की उनकी आदत थी, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में मेरा उनसे इंटरेक्शन होता था, एंड ही वाज ए वेरी नोबल हार्टेड मैन। इन्हीं के एबल गाइडेंस में हमारे शुक्ला सर ने काम किया और इनिशियली शुक्ला सर देहरादून में रहे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इसके हमारे जो बीएसआई का जो वहाँ पे एक सर्किल है उसी में थे, और उसके बाद जब वो देहरादून में थे तब उनने जो कोल्ड डेजर्ट एरिया है वेस्टर्न हिमालय का उसको एक्सप्लोर किया, और एक्सप्लोर करने के बाद ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि सर ने उसको पब्लिश भी कर दिया है। फ्लोरा ऑफ कोल्ड डेजर्ट जो पब्लिश हुआ था उन्होंने FB में डाला था, फेसबुक में डाला था, और मैंने बहुत बधाइयाँ दी थी कि इतनी कम एज में आपने कोल्ड डेजर्ट जैसी जगह का फ्लोरा पब्लिश कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं करते रह रहे हैं लेकिन अगर हमने उसको पब्लिश नहीं किया तो वो फिर लोगों के काम का नहीं हो पाता है। तो पब्लिकेशन करना, हम जो जान रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट करना, कॉलेजेस में नैक की भी रिक्वायरमेंट है कि व्हाट यू आर डूइंग आप अपने तक मत रखिए, आप उसको डॉक्यूमेंट करिए। तो सर ने फ्लोरा कोल्ड डेजर्ट लिख लिया है। शुक्ला सर मैं आपको फिर से उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। इसके अलावा जो टेहरी एरिया है, टेहरी डैम वाला एरिया, वहाँ का आपने EIA मतलब एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भी किया है, और जो कलेसर नेशनल पार्क है जो कि हरियाणा है वहाँ का भी EIA आपने किया है, और फिर खन्ना साहब के साथ ही और खन्ना साहब के जाने के बाद भी सर फ्लोरा छत्तीसगढ़ से भी बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड रहे, उत्तर प्रदेश वाले से भी छत्तीसगढ़ से भी।
तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि इस एनवायरमेंट डे के सेलिब्रेशंस के आखिरी दिन हम एक ऐसे व्यक्ति को पाए हैं जो फ्लोरा छत्तीसगढ़ से कनेक्टेड है, उससे कंसर्न है। तो ऐसे शुक्ला सर को पाके हम धन्य हैं। आपकी बुक्स भी 3 पब्लिश हो गई हैं, 70 से ऊपर रिसर्च पेपर हैं, बहुत सारे पॉपुलर आर्टिकल्स हैं, मैं पढ़ती रहती हूँ। आपके भी सिकरवार सर भी हिंदी में बहुत अच्छा लिखते हैं पॉपुलर आर्टिकल, विज्ञान प्रगति, विज्ञान साइंस रिपोर्टर जो है उसमें भी उनके आते रहते हैं, मैं पढ़ती रहती हूँ। तो आपने जो पॉपुलर आर्टिकल लिखे हैं वो प्लांट टैक्सोनॉमी पे या फिर इन्वेसिव एलियन स्पीशीज पे या फिर कंजर्वेशन पे, मतलब संरक्षण पे, इसी संदर्भ में आपने पॉपुलर आर्टिकल लिखे हैं, क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जो जानते हैं वो हम उसको एक नॉन टेक्निकल वे में, एक ऐसी लैंग्वेज में जो कि बहुत ही एक कॉमन मैन के लिए सरलतम हो, सुगम में हो, वो उसको समझ पाए, ऐसी जगह उसको पब्लिश करना, प्रकाशित करना और प्रचारित करना ज़रूरी है। तो सर ने वो महती भूमिका भी अपनाई है। बहुत छोटे हैं मेरे से उम्र में, लेकिन इतनी छोटी उम्र में इतना सारा काम कर लेना बहुत ही फख्र की बात है। बहुत, मैं तो इंट्रोड्यूस करते समय खुद मेरा हृदय गदगद हो गया है कि मैं अच्युत को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और एक जो नासी की, मैंने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है इंडिया की, उसका एक पुरस्कार है जिसको हम स्वर्ण जयंती पुरस्कार बोलते हैं, उस पुरस्कार के रेसिपिएंट भी हैं आप, यानी शुक्ला जी ने वो भी पाया है। अभी रिसेंटली सर, थोड़े दिन, थोड़ा सा पर्सनल हो जा रही हूँ, मुझे माफ़ करेंगे, रिसेंटली सर बहुत सुंदर सुंदर फोटो डाल रहे थे एनवायरमेंट पे और पिक्चर डाल रहे थे, तो हमने उनको लिख दिया ऐसे ही कि अचित कहाँ घूम रहे हो, तो वो बोले कि केप टाउन में। तो हमने कहा केप टाउन कैसे चले गए, तो वहाँ पे भी यूएन की एक कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें मिनिस्ट्री के डेलीगेशन के साथ सर गए थे। और बायोडाइवर्सिटी पे इनिशियली मैं उनका लेक्चर 22 तारीख को बायोडाइवर्सिटी के डे पे लेना चाह रही थी, तो वो बोले कि मैडम बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो यहाँ पे आयोजित है, आपने फ्लैश हुआ था टीवी में, उसमें भी देखा होगा, मैं पिक्चर्स में देख रही थी, वो खड़े हुए दिख रहे थे और बहुत सारे मिनिस्ट्री के लोग थे उसमें, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट भी थे, तो ऐसी जगह सर इन्वॉल्व थे। तो ही इज़ ए वेरी बिजी पर्सन, और जो आदमी काम करता है वो बिजी होता है, जो काम करता है उस पर जिम्मेदारी दी जाती है, तो हर समय अच्युत ऐसी ही पर्सनालिटी के धनी हैं। और मैं बहुत गदगद हूँ, मैं बहुत धन्य अपने आप को पा रही हूँ और अपने प्रीमाइसिस के लिए धन्य पा रही हूँ कि अच्युत शुक्ला जी हमसे जुड़े हैं आज के उद्बोधन के लिए। आज जो उनका टॉक है, वो जो उनका काम था फ्लोरा कोल्ड डेजर्ट पे, उसी पे वो बोलना चाहते हैं। और फ्लोरा कोल्ड डेजर्ट पे अपने टॉक के लिए मैं बहुत ही आदरपूर्वक आदरणीय श्री अच्युत शुक्ला जी को आमंत्रित करती हूँ। प्लीज़ ओवर टू यू शुक्ला सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू ऑल द डिग्निटरीज एंड organizer and chairperson of the college, especially Professor Beena Pani Dubey madam. Thank you, sir. She has remembered my great Guruji, late Dr. K.K. Khanna. I always remember him because whatever I'm today, we just because of him only. So during my tenure at Allahabad, at Dehradun, I worked on plants of cold desert region of Western Himalaya. That is a completely different landscape. As everybody knows that there are two percent of total land surface of the country, and it spreads in Jammu Kashmir, Himachal, and some parts of Uttarakhand, and a very small portion of Sikkim region. So I worked on Western Himalaya, not in Eastern Himalaya. So I covered the parts of J&K and Himachal Pradesh, which is 98,000 square kilometer. And as I have already told, it's comprised Ladakh region of Jammu and Kashmir and Lahaul Spiti district and Kinnaur in Himachal Pradesh. So this is a map. I'm not going to in detail. So you can see the map of cold desert region. And if you see the characteristics of cold areas, you will get the this heavy influx and infrared and ultraviolet radiation because of the height, very long freezing winter, a
everybody knows large variation in seasonal temperature. So these are the collectors of the desert area. And if you see the collectors with explorers in Ladakh region, Moorcroft started collections plant in Ladakh region, and they have deposited maximum plants in British Herbarium or in FRI. Botanical Survey of India has started working in cold desert region in 1972. And Dr. Bhattacharya, he was the first person who explored some parts of Ladakh region and Lahaul Spiti region, and he deposited the specimens in Botanical Survey of India, Dehradun Center. I got opportunity in 2011, and I visited so many times to Ladakh. I spent more 2-3 months in the field and collected plants in gap areas where the exploration were not done. So I collected more than 5,000 specimens and identified and deposited in our herbarium. So if you see the ecosystem of desert region, this is a sandy thar desert. Then if you see the vegetation types, it's very sparse vegetation, very few trees and shrubs are available there, maximum herbaceous flora is found. But the vegetation types are categorized in four types: alpine, temperate, typical desert, and oastic. So if you see the alpine, they are basically very short, very stout type of vegetation plants like astragalus, like lagotis, like picoriza, auxeria. They are very small, teeny sized plants found in alpine region. But if you come to temperate region, you will get some trees also like juniperus, like betula in temperate region in Lahaul Spiti especially. So these are the some species which are found in temperate region. And if you say the desertic region, they are all also very small, very teeny and stout plants like Arnebia, Acantholimon, like a body. You can see the photograph also. This is the first one is Sasuria nana, Brahmakamal family. This is a very small plant, then Acantholimon, like a body. These are the plants found in desert vegetation. Oastic means the plants which are found near habitation, near village, near town areas. So the plants like hippophy, like leheberry, juniper, and populus, they are all cultivated. They are found in near habitation region. I have already told that climatic conditions are very harsh in desert region. So plants, they have converted themselves to acclimatize in such harsh climatic conditions. So you can see the pictures. They have developed some hairs. They are very short in size. Leaves are very leathery. So these are the some special type of character they have developed to survive in a condition like cold. And they have the very long root system because the availability of water is very less. So they have a long root system to get water for survival. And growth are, they have a very peculiar type of growth system. And maximum, I have already told, the vegetation is dominated by herbs only, maximum 90% herbs. So followed by some stunted and much branched shrubs like Carragana, Hippophy, Lonicera. These are the some herbaceous plants found in the region. And if you see the special feature of the plant, I have just mentioned that they have developed some type of character like cushion forming habit, dwarf size, woolly nature. You can see the pictures. In pots, they have a full of wool, woolly structure. Then bushy habit, deep penetrating root system. Because of the less availability of water, climatic conditions are very harsh, winds are very fast. So they have developed such type of organs, such type of things, so that they can survive. These are some I have just mentioned that cushion forming habit, then diminutive or miniature habit, bushy habit. Some plants you can see ephedra and this hippophy region, hippophy. Then protective covering of hairs. There are some you can see the pods and the flowers are fully covered by hairs. And then if indirectly I'm coming because I had to rush to Delhi now. So if you see the floristic analysis, we have documented 1570 taxa distributed under 482 genera and 88 families of flowering plants. So we have published in two volumes. Volume 1 comprises monocots and volume 2 comprises gymnosperm, pteridophytes and dicotyledons. So if you see the 10 dominant families, then Poaceae had maximum number of species, then Asteraceae, then Caryophyllaceae, Brassicaceae, Fabaceae, like that. So these are some dominant families found in the area.
And if we see the endemic species, because of the Himalayan region, because of the hot spot area, they have maximum endemism. They have maximum threatened species. Some of the species like Ferula gestiana, Lancia tibetica, Powa ladegensis, they are the endemic species found in the region. And these are the also endemic species. You can see the peculiar character of the species. And in threatened species, because maximum they are highly medicinal, they are highly economically important species. So due to the over exploitation, due to the over grazing, the species have become threatened. So you can see the Allium carolianum, the Sassuria nephelitis. They are some species which are threatened in the area. These are the threatened species. And medicinal wealth. If you see the system of medicine used in Ladakh region, basically they are practicing Amchi system of medicine. And 80% of the population, they are dependent on the medicinal plant. So you can see the importance of the medicinal plant of the region. And if we categorize the medicinal economically important plants, so 40% they are medicinal plants in the area. Then fodder, then different aromatic, ornamental, wild edible, fuel, and medico religious. These are the 984. I have documented 984 species as a medicinal or as a economically important of the region. If we see the floristic richness of the region, different type of species, different types of flower, different type of berries, fruits, you can see. But you have to go in a particular season, like July to October. If you want to see the plants in flowering or in fruiting, you have to go in July to October. You can see. Otherwise, almost during snowfall, there is no plant, and definitely they will die. And if you see the threat, there are two types of threat are very common in everywhere, but in Ladakh region, like natural and anthropogenic, because of landslide and cloud burst, heavy snowfalls, avalanches, they have devastated the vegetation in the region. So they are the natural interferences. And biotic inferences, because of the expansion of the population, because of overgrazing, because of the nomadics expansion, they are settling here and there, and over exploitation of the medicinal plants, they are also factor for vegetation and species. And if we talk about the conservation strategies, so it's my personal opinion, the controlling in grazing, controlling in landslide with the help of planting shrubs like coffee, it can be the things can be controlled. Like if you write it to conservation, then some botanical garden, some type of gene bank, some type of seed bank can be maintained. So because of the less time, so I'm concluding, because and just I'm just interacting with the student. If you want to work in a good area, in a good floristic rich area, then you have to definitely take some time, and it's not easy. If you go field, you have to make camps and everything. Just I'm showing the photographs to the MSc or to the PhD student. They can see how the exploration is being carried out by Botanical Survey of India or by the ministry. So we are collecting plant, we are maintaining all, we are just preparing herbarium, we are identifying the field itself, we are processing all the type of things which are being processed for taxonomic purpose. You can see here how tough the terrain, how tough the landscape, and how tough to explore such a high altitude region. Sometimes you cannot go by vehicle, then you have to arrange the ponies, labors, and then you can explore the region. This is our team, and while exploring the region, we note down all the information in field itself, like lat long, all the coordinates, color of flower, areas, habitat, and photographs, and everything. This is our team. We go five, six people, and the different person, they are doing different type of work. So so these are some photographs of the region. And this, what happened? These are some important plants, and you can see. This is apricot. It's very famous, horticulturally important plant of the region, basically in Kargil region. And this is a very famous apricot. I think somebody, please mute yourself. Hello.
And this is also a very important plant, Corydalis crassifolia, growing in rock crevices. It's very very rare plant, and this is a very beautiful pedicularis pectinata found in Lahore Spiti region. And this is Crimanthodium. If you go in July and August, you will see the whole valley covered by Crimanthodium. And these are all Crimanthodium species, Aster species. And this is a Gentiana algida. It's a very rare plant found in some patches of Ladakh. And this is the ephedra, very famous medicinal plant found in Pine Valley National Park and near Khardungla Road. This is also ephedra intermedia. This is ephedra regaliana. And this is Delphinia nordegni. This is a very rare plant in of the region. And this is Waldemia tomentosa, Treva oriotes. And this is a Sasuria nana, Brahma Kamal family. And this is the Arthrothobium oxideri, smallest angiosperm. And these are some impressions. This is very famous layberry plant, Seebach thorn, which is being used by local community of the region. And these are some of the habitat diversity. You can see the different type of habitat diversity, like sand dunes, like tropical bed, like meadows, valleys. So you can imagine you can see the landscape, different type of landscape in the region. And these are some pictures while exploring the region. And this is the vegetation types. This is a Brahma Kamal, and this is one of the second largest glacier of the region. And this is Nomads, Changthang region, the high altitude plateau in western and northern Tibet. And I have taken this photograph in Somuraray Lake. These are some pictures you can see here. Settlements in different, these are also monasteries. And it's very important thing that one of the world's highest Ramsar site, which is located in Ladakh, that is Somurri. And one of the famous lake, that is Pengong Lake, also located in Ladakh. And one of the Sokar Lake also, that is also Ramsar site. We have explored completely the region. And these are some pictures of the lakes. And these are some beautiful pictures. And finally, just I'm concluding, we have published a book, Flora of Cold Desert, along with Dr. S.K. Srivastava in 2015. And you can, if you request to Botanical Survey, they can send the books, and you will get all the information about the plants, about the landscape, about the medicinal plant, about the threatened plants of the region. Thank you very much, madam. Thank you very much for giving me time. And I'm very sorry because of I have to go somewhere else. So I'm just disconnecting my this talk. Thank you very much, all the organizers. Thank you very much to Professor Dubey, madam. Thank you so much. Okay, Shukla sir. Aapko bahut bahut dhanyawad. So, on the behalf of Chaitanya College, we would like to thank all the participants for joining us on such an important activity of our institution for the welfare of society. And you see, the prime concern is the environmental restoration and conservation to develop a sustainable approach towards environment, because our present efforts, they are going to save the future of our new generations. So our convener, Dr. Mrs. Deena Pani Dubey, she has promised that she will be suggesting some good recommendations. Sorry, madam, for thodi der chhodne ko. So that we can, in a simple way, we can contribute. We can have an action plan for this to work towards sustainability. So I hope that you must have a good message, and we would acknowledge receiving your feedback regarding this activity. And certainly we will be in touch and keep you aware of our further follow-up. Thank you very much, and wish you all the best for your all academic endeavors. Namaskar, madam. Thank you. And especially I would like to thank Dr. Mrs. Dubey and Dr. Shri Naren Guria
of Institutional Innovation Council, and our chairman, Shri Viren Tiwari ji, vice chairman, Mrs. Dr. Garima Tiwari madam, and all honorable resource persons who have enriched this activity by their knowledge. And thank you very much, you all. Namaskar. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं इस अवसर पर ये कहना चाहती हूँ, ये जानकारी देना चाहती हूँ कि आज हम लोग आप लोगों को, जो लोग रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स थे, उन सबको एक फीडबैक लिंक देंगे। सभी ग्रुप्स में फीडबैक लिंक रहेगा, उस फीडबैक लिंक को जब आप भर के दे देंगे तो तभी आपको फिर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ज़रूर आप फीडबैक लिंक दे दीजिए। अच्युत शुक्ला सर चले गए हैं, मुझे सुबह उनका फ़ोन आया था, उनको कहीं जाना था इसलिए वो बहुत जल्दबाजी में थे। उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि मैडम इसको और थोड़ा पहले स्टार्ट कर देंगी क्या, क्योंकि टाइम क्योंकि पार्टिसिपेंट्स को हमारा 2 बजे से ही बताया गया था, तो फिर पार्टिसिपेंट्स नहीं जुड़ते तो फिर कैसे हो पाता। इसलिए मैंने बोला कि सर 2 बजे हम लोग चालू कर देंगे और आप देख लेना, आप शॉर्ट में बोल देना। तो उन्होंने उस बात को माना, मेरी बात का उन्होंने कहना चाहिए, मेरी बात को मान दिया, मेरे निवेदन को स्वीकार किया, मेरे आग्रह को स्वीकार किया और अपने इतने बिजी शेड्यूल में, मतलब भागते दौड़ते जिसको बोलते हैं, उन्होंने हमको अपने कोल्ड डेजर्ट के वर्क से अवगत कराया। इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। ब्रह्म कवल जो बता रहे थे, हम लोग देखते नहीं है कभी कभी सोशल मीडिया में, हमारे पास ब्रह्म कमल के फ्लावर का आता है कि इसको देख लीजिए आपका धन्य दिन हो जाएगा और बहुत शुभ होता है ऐसा वैसा। ब्रह्म कमल सर ने वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट में हिमालयन ट्रांस हिमालयन एरियाज में देखा हुआ है, जो उन्होंने नाम भी कोट किए। तो शिवराम कश्यप साहब ब्रायोफाइट के, जो हमारे इंडियन ब्रायोफाइट्स को का जो कंट्रीब्यूशन है मेजर SR कश्यप साहब की तरफ से आया है, उन्होंने भी पूरा वेस्टर्न हिमालय को और ईस्टर्न हिमालय को वो किया था, मतलब उन्होंने एक्सप्लोर किया था। ही वॉज दी फर्स्ट मैन टू एक्सप्लोर दी ब्रायोफाइट्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालय। उनकी खुद की लिखी किताब भी है छोटी सी, ब्रायोलॉजी ऑफ इंडिया, एक उनकी है SR कश्यप साहब की एक खुद, और ब्रायोफाइट्स ऑफ वेस्टर्न हिमालय के नाम से है, जो कि खुद उनकी लिखी हुई। तो उस किताब को आप देखेंगे तो उसमें ना उन्होंने प्लेट्स दी हैं पूरी, जो फोटोग्राफ्स लिए हैं आपके डिमोर शेरा के, आपका ये जो एंड्रिया है और भी बहुत सारे ये फोटोग्राफ्स। इनिशियली जब हम लोगों के पास MSc में पढ़ाने के लिए नहीं हुआ करता था मैटर, तो मैं उस वाली बुक से वो फोटोग्राफ लेके फिर अपने नोट्स बनाती थी और फिर बच्चों को बताती थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीनस ऐसे जेनरा ऐड हुए थे जिनको कि हम नहीं जानते थे। तो मेरा कहना ये कि वो जो एरिया है, और उसमें आपने देखा कि अच्युत कितने मुश्किलों में, मतलब वहाँ पे तंबू में रहना पड़ता था, बहुत ठंडा था, कहीं पे चढ़ाई में आप जा नहीं सकते थे, तो वो जो घोड़े में चढ़ के नहीं चले जाते वैसे जाते थे, और उसके बाद अच्युत ने ये काम किया। जो उन्होंने बताया हम जाने कि 1550 करीब स्पीशीज उन्होंने एक्सप्लोर की, उनमें से डाइकॉट मोनोकॉट का भी मैं रेशियो बताया। हम लोग 4-5 करने में या 20 स्पीशीज करने में हम थक जाते हैं। हम लड़कों को प्रोजेक्ट देते हैं कि भाई पामगढ़ का जहाँ आप रहते हो वही विलेज ले लो और वहाँ का फ्लोरा आप मतलब करें, मतलब वहीं की जो जानकारी है कितनी स्पीशीज आप सैंपल करें, तो लड़के उसमें कतराते हैं, आई एम सॉरी टू से। लेकिन किसी साइंटिस्ट का वहाँ पे जाना और अपनी टीम के साथ इतनी सारी स्पीशीज को एक्सप्लोर करना और उसके बारे में बताना, ससौरिया जो उन्होंने बोला एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में चला गया है वो प्लांट, तो ऐसे ऐसे प्लांट पे को उन्होंने एक्सप्लोर किया और जानकारी दी और उसको बुक के फॉर्म में, मैंने फ्लोरा के फॉर्म में भी ले आया। अच्युत जी का मेरे पास कंप्लीट एड्रेस भी है और वो यंगस्टर्स को बहुत एनकरेज करते हैं। यदि किसी को चाहिए होगा और कोई इस तरह के काम करना चाहेगा तो मैं BSI की कोई भी जोनल ऑफिस में अच्युत शुक्ला सर की मदद से उनको भेज सकती हूँ और बच्चे वहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। अगर वो फील्ड एक्सप्लोरेशन में बहुत इंटरेस्टेड हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये लाभ है इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का। शुक्ला सर को क्योंकि जाना था इसलिए वो जल्दबाजी में थे, वो चले गए हैं। मैं देख रही हूँ कि मैडम गरिमा तिवारी जी जुड़ी हुई हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, गरिमा मैडम को, कि गरिमा मैडम
थोड़ा सा अपना फीडबैक दें और हम सब लोगों को एक आशीर्वाद दें कि कार्यक्रम कैसा चला। इससे एक इम्पीटस मिलता है कि ऐसे कार्यक्रम हम रन करवाते जाएं, और इससे छात्रों को तो फायदा होगा ही, जो कि हमारा मेन एम है, और बाकी जो हम लोग जो टीचिंग फ्रेटर्निटी है, वो भी एक ही आदमी सब काम नहीं कर सकता, तो वो टीचिंग फ्रेटर्निटी को भी एक फायदा होता है कि हम जो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं या क्या उन्होंने एक्सप्लोर किया है, क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, उससे हम वाकिफ होते हैं। और मेरे ख्याल में एकेडमिक फ्रेटर्निटी का यही एक मकसद होना चाहिए कि हम सिर्फ अपने ही हो के नहीं रहें, हमारा जो जो नज़रिया है वो थोड़ा व्यापक होना चाहिए। इसी के साथ मैं आदरणीय गरिमा मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारे लिए कुछ अपने फीडबैक दें, या व्हाटएवर शी थिंक्स, वो फ्री हैं, जो भी वे बोलना चाहें वे सादर आमंत्रित हैं। यदि तिवारी सर होंगे तो मैं ये चाहूंगी कि अंतिम दिन है, आपके भी दो शब्द मिल जाते तो हम लोगों का बहुत उत्साह बढ़ता। प्लीज गरिमा मैडम, प्लीज ओवर टू यू। और मुझे मैडम सिर्फ सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आपने हम सब तो सिर्फ चर्चा कर रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन आपने उसको एक हकीकत में सारी चीज़ों को आप जो है वो लेकर आई, और सारी चीज़ें इस तरह से इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट हुई। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को ये बताना चाहूँगी कि ये जो प्रोग्राम इसमें जितने भी स्पीकर्स जुड़े, ये राष्ट्रीय स्तर के बहुत नामी गिरामी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उससे सबसे पहले जैसे हमारे साथ फर्स्ट डे लेक्चर जो था उसमें डॉक्टर रविशंकर जी जुड़े हुए थे, जो खुद अब इन ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में डेवलपमेंट ऑफिसर रहे हैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद फिर डॉक्टर आर एल एस सिकरवार सर जुड़े सतना विश्वविद्यालय से, फिर हमारे साथ बहुत ही एनर्जेटिक और एक ये कहना चाहिए कि जो साइंस को, साइंस के सबसे जो आज के कॉन्टेम्प्रेरी फैक्ट्स पे जुड़ के काम कर रही हैं, आईआईटी खड़गपुर से अनिष्का दुबे जुड़ी थी, और हमारे आज के स्पीकर थे शुक्ला सर, जो आज के प्रोग्राम में जुड़े हुए थे, और बायोडाइवर्सिटी डिवीजन भारत सरकार में वैज्ञानिक है, सीनियर साइंटिस्ट है। तो ऐसे बड़े बड़े नाम जो हैं, ये मैडम की बदौलत ही ये सब कुछ संभव हुआ कि हमारे साथ इस मंच पर हमें उनको सुनने का मौका मिला। और मैडम, मैं मेरे पास शब्द नहीं है। हेलो जी मैडम, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी मैडम, आपकी आवाज आ रही है, यू आर ऑडिबल। थैंक यू मैम। एक्चुअली मेरे ये लैपटॉप में कैमरे में कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। तो सबसे पहले तो मैं यही, इस पूरे प्रोग्राम के लिए मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इतनी खूबसूरती से, मेरा ख्याल है कि हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन को एक मुहिम के तौर पर लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास किया, और ख़ास तौर पर मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर ललित प्रकाश पटेरिया जी का। सर का हमेशा हमें आशीर्वाद और स्नेह मिलता है, और जिसकी वजह से हमारे जो मोटिवेशन में हमें हमेशा एक अच्छा एक इंस्पिरेशन मिलता रहता है, हम मोटिवेट होते रहते हैं कि हम कुछ नया करें, कुछ बेहतर करें। और आभार है हमारे चेयरमैन सर श्री वीरेंद्र तिवारी जी का, जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हमें प्रेरणा दी, और ये कहना चाहिए मैडम कि हमें एक फ्री हैंड दिया है कि आप जितने भी अच्छे काम हो सकते हैं, जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड, अवेयरनेस से रिलेटेड, आप जो भी अच्छा कर सकते हैं, तो सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आज तक हमने जो कुछ सीखा और जाना और सुना इस मंच से, इसे हम अपने
प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी दैनिक दिनचर्या में इसे उतारें और अपने पर्यावरण को और बेहतर बनाएं, क्योंकि जब भी गर्मी होती है और जब भी हम खुली कड़ी धूप में चलते हैं खुली सड़क में, उस समय हमें पेड़ याद आते हैं और पेड़ जो है ये एक दिन में नहीं उगते हैं, पेड़ लगाने में वर्षों लगते हैं, पेड़ को बड़े होने में उसकी सही देखभाल की ज़रूरत होती है। और ये सारे जो प्रयास हैं ये जितने जितना समय लेते हैं उतनी उतने ही समर्पण की भी मांग करते हैं, उतने ही प्रेम की भी मांग करते हैं। तो हम सब जो है वो पर्यावरण के प्रति सचेत होने के साथ साथ अपने अंदर की संवेदना को समर्पण और प्रेम से पोषित करें और अपनी धरती के लिए एक लगाव, जो जब चीज़ें नहीं होती हैं तो हमें एहसास होता है कि ये मिसिंग हो रहा है या ये चीज़ें नहीं हैं, उसके पहले ही हम उसे उसके सार संभाल उसे उसको जतन करना ये सीखें और उसकी दिशा में प्रयास करें। तो फिर से मैडम का खास तौर पे मैडम आपको प्रणाम करती हूँ और क्योंकि आपको देखना ही और आपको आपका काम करने का तरीका और आपसे इतना मोटिवेशन मिलता है और जितने भी यंग बच्चे आज इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, हमारी फैकल्टीज जुड़ी हुई हैं, उन सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि एज इज ओनली नंबर। मैडम को जितनी बार देखती हूँ तो उम्र सिर्फ एक संख्या है, यही बात याद आती है। तो आप सब भी प्रेरणा लीजिए, हम सबका सौभाग्य है कि मैडम हमारे साथ हैं। और मैडम आपके बिहाफ में मैं उन सारे जो बड़े बड़े नामचीन लोग हमारे चैतन्य महाविद्यालय से इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े सभी वक्ताओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। फिर से पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत सारा थैंक यू। और हाँ, इस पूरे प्रोग्राम में जो टेक्निकल टीम काम कर रही थी मैडम हमारी, धनेश है, सरोज मणि है, बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद जी सो मच, थैंक यू वेरी मच आदरणीय गरिमा मैडम। और मेरे ख्याल में इसी नोट पर हम इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं और ये एक समाप्ति नहीं है, इट इज़ जस्ट बिगनिंग, है ना। अब हम पर इस शपथ के साथ यहाँ से विदा लेते हैं कि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करेंगे। हम लोगों ने ये एक कसम खा ली है कि हम जिस भी रूप में और जिस भी तरह से अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे हम बचाएंगे। हम किसी की रास्ता नहीं देखेंगे कि किसी मुहिम में हम जुड़ना है, जो हमारी स्वयं की अपनी, जो मैंने बोला ना कि हमारे अंदरतम से जो आवाज़ आती है जो हम उसको सुनेंगे और हम अपने पर्यावरण को बचाएंगे। और ज़रूर ही जो हमारे सस्टेनेबिलिटी के गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं जिसमें इंडिया गवर्नमेंट ने भी साइन किया है, उसकी ओर हम आगे बढ़ सकेंगे इसी उद्देश्य के साथ और इसी एक प्रकार से बोलना चाहिए समर्पण के साथ, इसी संकल्प के साथ आज हम विदा लेते हैं। पुनः सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत मेरे हृदय से धन्यवाद, बहुत आभारी हूँ स्टूडेंट्स की भी और फैकल्टी मेंबर्स की भी। आदरणीय हमारे मैनेजमेंट के श्री बीरेन तिवारी सर जो चेयरमैन हैं उनका, वाइस चेयरमैन गरिमा मैडम का और बाकी सारे जो भी इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे हमारे फैकल्टी मेंबर्स, उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। सरोजमणि बंजारी जी बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब में भी इन लेक्चर्स को सुन सकते हैं। और मैडम इसके साथ ही साथ मैं आदरणीय प्रिंसिपल सर का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जी 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 इतनी अधिक व्यस्तता के बावजूद भी लगातार बिल्कुल हाँ हर दिन उन्होंने इस कार्यक्रम को समय दिया जी। आदरणीय प्रिंसिपल सर का भी मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत उनको मैं शुरू में भी बोली और अभी भी बोल रही हूँ कि उनके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। वो अगर बाहर भी गए हैं तो वो बाहर से भी जुड़े हैं, ही इज सो पर्टिकुलर, तो बहुत बहुत एनर्जाइज करती हैं ऐसी सब बातें। मैं उनको भी बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी को धन्यवाद करती हूँ। कोई अगर मेरे से छूट गया हो तो मेरी गलती समझ के, मेरी भूल समझ के मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरा हृदय जो है वो सबको धन्यवाद करता है। एक शेर है ना कि तुम्हें कह दिया सितमगर ये कसूर था जुबां का, मुझे तुम मुआफ कर दो
मेरा दिल बुरा नहीं है, मेरा दिल बुरा नहीं है। तो ये बात है कि अगर कुछ छूट गया हो तो ये दिल से नहीं है, ये बात दिल से मैं सबकी आभारी हूँ, सबको मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अगर कुछ छूट गया होगा तो ये जुबानी वो है, जुबान का कसूर है, मेरा नहीं है। तो फिर से पुनः धन्यवाद, पुनः सब आप लोगों को बहुत बहुत प्यार, जो छोटे हैं वो, और सभी को बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ। हम लोग फिर जुड़ेंगे, कोई ऐसे कार्यक्रम में हम लोग फिर जुड़ेंगे, ये जी रिश्ता बना रहेगा जरूर, थैंक यू सो जरूर। मच, थैंक बहुत यू, थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।